नमस्कार दोस्तों, आज 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को जो सोनी लिव ऐप पर कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी प्ले अलॉन्ग में LIC स्पॉन्सर्ड ऑफलाइन क्विज है वो हम खेलने जा रहे हैं। और इसमें पहला जो सवाल है वो आएगा, पहला सवाल है विच ऑफ दिस इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को की विश्व धरोहर कौन सा स्थल नहीं है? ताजमहल, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, हुमायूं टॉम और विक्टोरिया मेमोरियल। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो विश्व धरोहर के तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है यूनेस्को की तरफ से, तो ये सही उत्तर होगा। और दूसरा प्रश्न आ चुका है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे जो है वह है विच प्लेयर स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन IPL। IPL में सबसे तेज सेंचुरी जो है वो शतक किसने लगाया है? यूसुफ पठान, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और डेविड मिलर। इसका सही उत्तर क्रिस गेल है, क्रिस गेल ने सबसे फास्ट सेंचुरी लगाया हुआ है या सबसे तेज सेंचुरी लगाई है IPL में, तो जो क्रिस गेल है वो उत्तर सही होगा। अब तीसरा प्रश्न है वेयर इज पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन इंडिया। भारत में जो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु, गोवा, केरला और वेस्ट बंगाल। आई थिंक मेरे हिसाब से पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में इसके पहले भी सवाल पूछा जा चुका है जहाँ तक, और इसका उत्तर केरला होना चाहिए, होना चाहिए नहीं, कन्फर्म केरला ही है। केरला ही उत्तर है इसका, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है वो केरला में ही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे तीन प्रश्नों के 300 अंक हमें मिल चुके हैं। व्हाट इज़ द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कॉल्ड, जो कैंसर या कर्क रोग जिसे बोलते हैं कैंसर जो है उसके अभ्यास को और उसके इलाज को किस नाम से मतलब पुकारा जाता है, किस नाम से पहचाना जाता है? चिरोपॉडी, ऑन्कोलॉजी, एटियोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स। तो एटियोलॉजी तो नहीं है, ऑन्कोलॉजी इसका सही उत्तर होगा। एटियोलॉजी जो है, एटियोलॉजी जनरली क्या बोलेंगे, रोगों का जो कारण होता है, कल परसों का ही क्वेश्चन है, जो रोगों का कारण होता है कि किस कारण से कोई बीमारी हुई उसकी स्टडी जो करते हैं उसको एटियोलॉजी बोलते थे। खैर अगला सवाल है हु इज़ द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्पाइसजेट, जो स्पाइसजेट है उसके अभी वर्तमान MD कौन है? अजय अग्रवाल, मनोज कुमार, अजय सिंह और अनुराग भार्गव। इसका सही उत्तर अजय सिंह होना चाहिए, मुझे एकदम श्योर नहीं है, खैर सही हुआ है उत्तर। मुझे भार्गव जो है, अनुराग भार्गव में थोड़ा सा डाउट जरूर था, पर अजय सिंह ही है। खैर चार्ल्स डार्विन डाइड इन विच ईयर, चार्ल्स डार्विन की जो मृत्यु है, जो चार्ल्स डार्विन को क्या बोलेंगे विकासवाद का जनक बोलते हैं, विकासवाद मतलब उत्क्रांति का जनक हम बोलते हैं, या फादर ऑफ इवोल्यूशन, कल ही सवाल था, उनका मृत्यु कब हुई? 1879, 1880, 1881, 1882। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, 1882। 1882 को जो फादर ऑफ इवोल्यूशन थे तो चार्ल्स डार्विन, उनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पे 6 प्रश्नों के 600 अंक हमें मिल चुके हैं। और अगला प्रश्न आया है हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी टेनेट, टेनेट जो मूवी है उसके डायरेक्टर या निर्देशक का नाम पूछा है। स्टीवन स्पीलबर्ग ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी है मार्टिन स्कोरसिस, सी है क्रिस्टोफर नोलन और डी है क्वेंटिन टैरेंटिनो। ऑप्शन सी उसका सही उत्तर होगा, क्रिस्टोफर नोलन। इन्होंने ही टेनेट जो हॉलीवुड मूवी है उसको डायरेक्ट किए हुए हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार। ऑन विच डे ऑफ द बैटल ऑफ महाभारत डिड दुशासन डाय, जो महाभारत के युद्ध में दुशासन की मृत्यु कितने दिन या कौन से दिन हुई? 15, 16, 17, 18। इसका सही उत्तर 16 होना चाहिए, मैं लाइफलाइन ले लेता हूँ पहले तो एक बार, 16 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी हाँ, मेरा माइथोलॉजी का ज्ञान उतना नहीं है करके मैंने लाइफलाइन लिया था ताकि अगर कभी गलती से गलत हो जाए तो आधे अंक तो भी मिले। खैर अगला प्रश्न है विच फॉर्मूला वन चैंपियन क्लेम्ड हिज 88th करियर विक्ट्री इन 2020 या 2020। 2020 में किस फॉर्मूला वन चैंपियन ने 88 भी करियर में विजेता घोषित किया है, विजेता पद? माइकल शुमाकर, लेविस हैमिल्टन, सर्जियो पेरेज और सेबेस्टियन वेटेल। आई थिंक लुइस हैमिल्टन इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। लुइस हैमिल्टन जो है 2020 में फॉर्मूला वन जो रेसिंग चैंपियनशिप होती है वो जीती है। वो वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अवार्ड इन 2009 में जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ है
वो किसने जीता, और ये अगेन बुक का किताब है और बुक के बारे में प्रश्न है और इसका ऑप्शन की जरूरत नहीं है। पीटर कैरी, इवान एस कॉर्नेल, एलिस मनरो और ई एल डॉक्टरो में से एलिस मनरो इसका सही उत्तर है। एलिस मनरो इसका 100% सही उत्तर है बिल्कुल। तो इसी प्रश्न के सही उत्तर के साथ में हमारे पूरे के पूरे आज के जो 10 प्रश्न है उनके सही जवाब हुए हैं। दोस्तों आपको बैकग्राउंड में बिल्कुल जो फायर क्रैकर से पटाखे फूटने की आवाज़ आ रही होगी, तो आपको सबको दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपके सवाल सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरडीएच सर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत लंबे समय से बिल्कुल 625 पर ही अटका है यार चैनल, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलो थैंक यू सो मच।